संजय गांधी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू शिमला, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25, अकोमोडेशन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट अवेलेबल, एडमिशन ऑफिस छोटा शिमला, कॉन्टैक्ट 2620679 एंड 8219363334। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के लंबाथाच में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने कभी भी बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं की। कहा कि चुनाव घोषित होने के 5 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह ने 21 डिग्री कॉलेज खोलने की झंडी लगा दी थी। बिना किसी व्यवस्था बजट प्रावधान के स्कूल खोल दिए। हमने उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं की और इन संस्थानों को चलाया, लेकिन सुखू नहीं चलते संस्थान बंद कर दिए। हम दिल के भोले होते यही वीरभद्र सिंह जी 5 दिन जब चुनाव को घोषित होने के लिए रहे थे नोटिफिकेशन के लिए 21 डिग्री कॉलेज खोल करके गए थे जाते जाते, लेकिन हमने तो बंद नहीं किया, हमने तो सबके सब चलाए। वो तहसीलें खोली थी, एक दिन पहले तहसीलें खोली थी, एक दिन पहले जो है वो BDO के दफ्तर खोले थे, हमने वो भी चलाए। इसलिए बदले की भावना के साथ अगर इनका भाव होता कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हमको अच्छा करना है तो हम मंडी की यूनिवर्सिटी बंद नहीं करते, मंडी का शिवधाम बंद नहीं करते, PWD का सर्कल हमारा जंजैहली का बंद नहीं करते, हमारा यहाँ पर IPH का सर्कल जो थुना खोला था उसको बंद नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बंद नहीं करते, DFO का दफ्तर बंद नहीं करते। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए, मैं ये कह रहा हूं कि यह दौर समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब की बार हालात इस तरह बने हैं हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव साथ में हैं, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हालात ये बनेंगे कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी। हम इसको पूछना चाहते हैं कि सत्ता में रहने का आपके पास अधिकार क्या है? राज्यसभा की सीट का चुनाव आप हार गए, आप 43 थे, हम तो 25 थे, उसके बावजूद आप हार गए, कोई नैतिक अधिकार है क्या चुनाव लड़ने का, ये सत्ता में रहने का? क्या नहीं है? हकीकत यह है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि कहीं भी कमी ना छूटे, और इस राज्य विधानसभा क्षेत्र लगातार पहले स्थान पर रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हिमाचल में पहले नंबर पर रहा है। आज तक के तमाम रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़े हैं, इस राज्य के सभी भाई बहनों के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हमने 38,000 की बढ़त से कोई नहीं जीता आज तक का। और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए लगे, छोड़ दिया उनने हमीरपुर पार्लियामेंट का मुकाबला, इन्हीं कांग्रेस पार्टी का है। एक तरफा चुनाव है, 5 और 6 लाख के बीच में जीत होगी वहां पर, मैं बता रहा हूं आपको, 6 लाख से भी ऊपर जा सकता है। यही हालात कांगड़ा में, भले ही आनंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे गलत सलाह दी गई, चुनाव के लिए खड़ा तो कर दिया लेकिन वहां पर जमानत के लाले पड़ रहे हैं उनके, ये हालात उनके वहां पर कांगड़ा के हैं। शिमला लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अब इन्होंने सारा छोड़ दिया है कि बाकी तो जा रही है, इस मंडी को पकड़ो बोलते हैं। अब आ रहे हैं, कोई उप मुख्यमंत्री आएंगे, कोई मंत्री आएंगे, कोई मुख्यमंत्री आएंगे, इस प्रकार से सारा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है कि जब लड़ाई है तो लड़ाई है भाई, किसी की भावना रही होंगी तो रही होंगी, वो दौर समाप्त हो गया, उस परिवार के साथ या उनके किसी व्यक्ति के साथ रही होगी, लेकिन आज आप सबकी भावना हमारे साथ जुड़ी है, आपके नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी है, आपके नेतृत्व को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, ये प्रयत्न जो है उसके लिए हमको जवाब देना होगा, उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा। और इस लोकसभा के चुनाव में मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यहां से वही वोट चाहिए, वही जीत चाहिए हमको जो विधानसभा के चुनाव में हमारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।